कुछ कपड़ों पर प्रेस करी थी, ये उठा के रख देती हूँ। इनमें कुछ बच्चों के हैं, उनको अलग निकाल के रख दूंगी, अपने अलग निकाल दूंगी, बस सेट में लगा देती हूँ। और छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं जिनकी कहीं गिनती नहीं होती, कहीं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होते, बहुत काम ऐसे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ना कुछ देख रही थी और साथ के साथ कपड़े भी रख रही थी। इसको लेकर कमेंट भी आया था कि दीदी इसमें लॉक लगवा लो। हाँ, कोई लॉक वाला आएगा तो लॉक लगवाऊंगी, देख रही हूँ कि कोई लॉक वाला मेरे को मिल जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लगता है, सारे दिन खुला रहता है, मुंह पे लगने का भी डर रहता है। फिर अभी आईने में देख रही थी मैं बच्चों ने क्या क्या करके रखा हुआ है, कुछ फैला तो नहीं रखा, क्योंकि बच्चे एक सामान निकालते 10 निकाल के गड़बड़ करते हैं। एक चीज़ और मैं ढूंढ रही थी जो नहीं पा रही थी, और यहाँ पे मेरी वीडियो है ना अवनी शूट कर रही थी, अवनी बना रही थी थोड़ी सी। ये मच्छरदानी देखो, रात को हम कैसे सोते हैं आपको दिखा दूँ। रात को हम मच्छरदानी ना बांध के सोते हैं ऐसे, बैठ के चारों खाने जो है ना बेड के चारों कोनों से बांध के, तब जैसे तैसे मच्छरदानी बांधते हैं। और ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो अभी सुबह सुबह खोल रही थी मैं, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा। वुल आउट मैं अभी लेके नहीं आई थी, और अभी थोड़ा मौसम ठीक है तो अंदर ही सो रहे हैं, फिर तो नहीं तो सारी गर्मी बाहर सोएंगे या फिर कूलर लगा के अंदर ही सोएंगे। जैसे भी होगा, मच्छरदानी का लाल इतना सारा हो जाता है कि लगा के सो जाते हैं। एक दो मच्छर तो बेचारा जब भी कहीं ना कहीं घुस जाता है। बच्चे सो रहे हैं, मैं उठ गई थी, मैं अपना मच्छरदानी हटा दी बच्चों के ऊपर से। और जो पहले क्लिप थी, सबसे पहली वो रात ऐसा था कि रात की थी, और ये अभी नेक्स्ट डे की है। मच्छरदानी के दो डंडे निकाल के रखे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, इनसे ही अपना खुंटी वगैरह पे बांध बूंद के अपना कर लेते हैं मच्छरदानी का समाधान। एक बच्चा मेरा उठ गया था, दो बच्चे मेरे सो रहे थे। तभी तो आप पूछोगे कि वीडियो फिर कौन बना रहा है, फ़ोन हिल रहा है, तो एक बच्चा उठ गया, दो सो रहे हैं, उन दो को भी उठाऊंगी बस। और मैं तो वैसे काफ़ी टाइम की उठ रही थी, पर बाद में बच्चों को थोड़ा मच्छरदानी में थोड़ा लेट हटाती हूँ और लेट ही उठाती हूँ। ये देखो उल्टे सूधे होकर सोए पड़े हैं, और अब इसको अच्छे से बांध के धर दूँ। मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मेरा धागा भी अलग गया, तो चलिए मच्छरदानी हटा दिए। ये भी कपड़े ना रात संदूक पे टेक देते हैं, उसमें रखे नहीं थे। यहाँ थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी साथ के साथ। वैसे कहाँ बैठे कबूतर? बैठे कहाँ है वो भी नहीं पता। बस एक नजर उसको देखा, बैठ बैठ उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको दिखा दूँ। मेरे बड़े फिल्टर पर तेरा कौन सा क्लास में छोटी अभी यहाँ पर है ना बेडशीट तो चेंज कर दी थी। एक कमेंट आया था कि दीदी इस शीशी को फेंकना मत ना, इसमें शैम्पू का पानी घोल के तब साफ करके देखना। बिल्कुल सही बोला था मैंने, ऐसे ही करा। शैम्पू का पैकेट जो है इसमें घोल लिया, उसका पानी बना के कोलीन का काम करेगा, पूरा घर अच्छे से साफ करेगा। और अभी मैं लगी हूँ ऊपर वाले स्लेब पे, तो यहाँ पे ना सामान चेक करने हैं, कुछ सामान देखने हैं और लगाने हैं। इसको झाड़ पूछ लेते हैं,
अभी रोज तो उतारे नहीं जाते, हफ्ते में एक बार ऊपर के सामान उतार के साफ कर देती हूँ। वैसे तो ऊपर ऊपर कपड़ा मार देती हूँ, पर नीचे से स्लिप भी तो साफ करना होता है ना, तो एक एक करके सारा सामान उतारूंगी और इसको है ना वापिस से फिर सारा लगाऊंगी। देखती हूँ जो डब्बा खाली होगा एक दो राशन उसमें खा लेती, जो खाली है एक्स्ट्रा है यूज में नहीं आ रहे उनको उठा के रख दूंगी। पर चेक करते हैं, चली यहाँ पे ना धनिया हल्दी मिर्च चाय की पत्ती जो ख़त्म होता है मसालेदार में डाल दी, और ये थोड़े से बर्तन जो है ना कोंचा है चमचा है पोनी है ये सारे अलग निकाल लिए मैंने। इनको मैं सोची हूँ अलग किसी चीज़ में रखूँ, पर देखते हैं अभी पक्का नहीं पता, या फिर टोकरे में एक साइड में रखूँ जिससे आसानी से मिल जाए। और सामानों की चेंजिंग कर दी है मैंने, किचन में डब्बे इधर कर दिए हैं, आज इधर म्यूजिक सिस्टम कुछ डब्बे वगैरह इधर लगा दिए, अभी लगा ही रही हूँ पूरी तरीके से नहीं लगे। किचन जो है ना साफ़ करना है, वैसे रोज डस्टिंग होती है पर ये कभी कभार डिब्बे इधर से उधर करने की, तो ये कभी कभार हफ्ते में एक बार। नीचे के सामान भी चेंज करूँगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, किचन की सफाई चल रही है। अब एक मिनट में ऊपर ऊपर फटाफट सफाई कर दो, वो तो है ना बस झाड़ू मारी हुड़ फुड़ हो गया काम, पर घर में तो है ना डस्टिंग करके ही घर सा लगता है, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कैसा ही पड़ा है, सुबह से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया या फिर कितने दिन से साफ़ नहीं करा, ऐसा मालूम देता है। ये नहीं कि रंग कराने के, बस रंग की वजह से मैं परेशान थी, जब तक रंग नहीं था तो कितना भी साफ़ कर लो भद्दा ही लगता था, अभी रंग हो गया है तो अच्छा लग रहा है बहुत। और ये मेज़ जो है ना इधर से इधर कर देते हैं, अभी पूरा किचन फैल रहा है, जैसे ही सारा सिमेटा जाएगा आप लोगों को दिखाया जाएगा वीडियो में। लाल मेज इधर रख दिया, ये मेज़ का कांच मुझे बहुत जल्दी करके उतारना है क्योंकि टूटा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं सोच रही हूँ, एक पलाई वाले भैया से बात भी करी थी कि इसकी पलाई नपती करके ले आऊँगी, भैया आप है ना उसके अकॉर्डिंग इतनी पलाई दे देना, मैं चिपका लूँगी घर पे वहाँ, वरना कहाँ इसको मार्केट लेके जाऊँ, इतनी भारी भरकम मेज है, एक आदमी से तो जल्दी सी सरकती भी नहीं है, अकेला नहीं उठा सकता, दो आदमी मोटा ठाड़ा आदमी उठा लेगा, पतला सा आदमी नहीं उठा पाएगा, इतना बोझ इसमें है। मैंने और अमली ने इधर लगा दिया इसको, और इसके नीचे से आसपास से अच्छे से झाड़ू निकाल लेते हैं। आगे हैं रूम में, तो रूम में मेरी डस्टिंग हो रखी है, मंदिर वंदिर सब साफ करके रखा हुआ है, पर नहाने के बाद जो है मंदिर का कपड़ा चेंज करना है। वैसे सफाई हो गई थी, बच्चों ने कर दी थी, मैं बिना नहाए मंदिर में हाथ नहीं लगाती क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स थे कि बिना नहाए पहले मैं मंदिर में हाथ लगा दिया करती, फिर आप लोगों ने बोला कि दीदी नहा के मंदिर छेड़ा करो, ऐसे मत हाथ लगाया करो, तो तब से बिना नहाए हाथ नहीं लगाती, आईना भी ढक के रखते हैं। मतलब कुल मिला के जितना हो सके हमसे मैं लोगों की बात सुनती हूँ और मानने की कोशिश करती हूँ। रही मेरे घूंघट और कपड़ों को लेकर जो बात आती है उसका मैं जल्दी ही रिप्लाई दूँगी, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा बोलते हो, वो मैं समझती हूँ कि बहू हो बेटी नहीं हो ये हो, तो ये सब जो मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर जवाब दूंगी, कुछ बोलेंगे ज्ञान ज्ञान नहीं दूंगी, वो बताऊंगी जो सच है, कहाँ बहू कहाँ बेटी कहाँ क्या रह गया बताओ, क्या है मेरा यहाँ, तुम खुद इस चीज़ को एक मिनट मेरे ये कहने से सोचना कि क्या है मेरा यहाँ, तुम सोचना इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो अवनी के पाँव पर लगा देते हैं लोशन, मम्मी लेस लाइट चल रही है, लेस कॉलर में कुछ गिरा, ठीक है। अरे मैंने धुले थे तो कुछ बेटी ने फैलाए कुछ मैंने फैलाए, अरु जो है मैं बना रही थी यहाँ वीडियो, कुछ बेटी को दिया मैंने ये काम कि कपड़े फैलाओ, बच्चे को सब काम सिखाने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी आने चाहिए आगे। देखो ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई में अहम नहीं है, पढ़ाई बहुत अहम है, पर छोटे मोटे काम तो वो कर सकती है, जब मुझे प्रॉब्लम हो जाती वो करती भी है। और आज उसने झाड़ू भी निकाल लिया अभी दूसरी बार कि मम्मी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ, मेरी तबीयत दो तीन दिन से बहुत ढीली चल रही है, पर यहाँ पे है ना बच्चों को मैं डांटती हूँ, अगर चप्पल अंदर निकालते हैं तो तभी डांटती हूँ कि बच्चा तुम्हें कितनी बार बता के रखा हुआ है चप्पल पायदान पर निकालनी है, जो सामान जहाँ से उठाऊँ वहीं रखना है, फैला हुआ रूम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब लगता है,
एक रूम है, इसको तुम गंदा सड़ा के रखो, कोई आएगा क्या बोलेगा कैसा रूम रखते हैं कैसी सफाई करते हैं। और अवनी भी अपना नहा धो के अपने काम में लग गई, एक लास्ट वाली झाड़ू निकालने लग गई। दो झाड़ू सुबह को कहीं नहीं गई, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर एक बार झाड़ू लगती है, मट्टी किरकल थोड़ी बहुत आई जाती है चाहे कितना भी वो करे। और कायरव भी नहा गया, वो भी अपना बेड पे बैठा है आराम से, और अवनी बस झाड़ू निकाल देगी। और गोपाल जी को नुहारी है, मैं बेटे को समझाती हूँ झाड़ू निकालने के बाद है ना कूड़ा या तो यहीं पर इकट्ठा करके उठाओ या बरामदे से बाहर कर दो, वहाँ से उठाओ। और मैं जा रही हूँ नहाने, मैंने आज खाने मैं भी नहा खाऊँ। क्या हो गया? अलग कटोरी में ला दूंगी, ला रही मैं।